Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और बच्चों अब ये लास्ट हेडिंग पे हम लोग पहुंच गए हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है और करंट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नाम सेम है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, ये सेम नाम है बच्चों अदर इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए हो वो करंट में, जो लॉन्ग टर्म के लिए हो वो नॉन करंट। सो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट अपने आप कैटेगराइज हो जाती है। नंबर टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब बेसिक मतलब स्टॉक, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स जिसको वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं और फिनिश गुड्स। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो हम खरीदते बेचते रहते हैं, ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स वो हो गए जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और स्टॉक इन ट्रेड यानी कि जो हम खरीदने बेचने के लिए रखे हैं। इसके अलावा कोई स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स, ये सब अब लूज टूल्स अब आपकी इन्वेंट्री में कैटेगराइज होनी शुरू हो चुके हैं। करंट रेशियो, जब हम लोग रेशियो एनालिसिस में जाके पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि ये करंट एसेट का ही पार्ट है, ठीक है जी। तो किसी भी तरह का स्टॉक हमारे पास इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल में बच्चों एक तो होते हैं डेटर्स और दूसरा होते हैं बिल रिसीवेबल, और जो गुड्स के लिए होते हैं, डेटर्स फॉर गुड्स होते हैं, वो यहां पर आ जाए। इसके अलावा बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश जैसी चीजें जिसको कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सके विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। देखने में लगता है कि जो शेयर मार्केट में हमारा पैसा लगा हुआ है वो भी जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर लो, दो तीन दिन में तो पैसा आ जाता है, दैट इज ट्रू। लेकिन हमने बोला जो कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट किया जा सके विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू, तो वैल्यू पर हमारा कंट्रोल नहीं होता शेयर होल्डर शेयर कैपिटल में, मतलब शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट में, तो हम लोग शेयर जब चाहें बेच नहीं सकते। इसी तरह से गोल्ड भी जब चाहे बेच तो सकते हैं, लेकिन वैल्यू हमारे हाथ में नहीं है, इस वजह से उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में गिनते नहीं है। वो चीज जैसे मैंने बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक में बैलेंस है 1 लाख, मैं जब चाहूँ निकाल लूँ 1 लाख ही मिलेगा। मेरे पास FD है 2 लाख रुपए की, तो मैं जब चाहूँ निकाल लूँ 2 लाख ही मिलेगा, कोई वैल्यू का लॉस नहीं। लेकिन मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है 10 लाख रुपए, तो मैं हो सकता है आज मैं निकालने जाऊँ तो मुझे हो सकता है 9,50,000 ही मिले, तो इसलिए वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। सो जो कैश में इमीडिएट कन्वर्ट किया जा सके वो कैश इक्विवेलेंट गिनते हैं। तो यहाँ पर हम किसे कहते हैं, कैश इन हैंड तो होता ही है बच्चों, बैलेंस विद बैंक्स, ये रहा कैश इन हैंड। इसके अलावा चेक्स ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, ये भी सब कैश में कन्वर्टेबल इमीडिएटली। अदर ईयर मार्क बैलेंस विद बैंक्स, बैंक में कुछ और पैसा रखा हो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, पर है तो वो पैसा ही ना बच्चों, जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बैंक्स बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, मार्जिन मनी बच्चों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टर्म है, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपने बैंक में कुछ भी पैसा रखा हो किसी भी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, या बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी। आमतौर पर देखने में लगता है कि नॉन करंट एसेट में आएगा, लेकिन इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब चाहो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट पार्ट था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को लोन या एडवांस दिया है क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो और कोई और अदर करंट एसेट्स हो। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या क्या, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 इन्वेंट्रीज, नंबर 3 डेफर्ड टैक्स ट्रेड रिसीवेबल, नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड नंबर 5 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नंबर 6 अदर करंट एसेट। ये 6 चीजें हमारी करंट एसेट्स में रिफ्लेक्ट होंगी। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट कवर हो जाता है, एसेट साइड पे क्या क्या आता है और लायबिलिटी साइड। जस्ट टू रिकैप, 4 चीजें लायबिलिटी साइड पे, 2 चीजें एसेट साइड पे, 4 चीजें लायबिलिटी साइड पे, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड पे सिर्फ नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, बस इन 6 कैटेगरीज में सब बटा हुआ है। इनकी हेडिंग्स में सब हेडिंग्स और सब पार्ट आपको बहुत ध्यान से बार बार पढ़ने हैं एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी 3 या 4 मार्क्स का आता है, तो आप सिर्फ हेडिंग आपको लिखनी है। बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आपको याद है तभी, अगर आपको याद ही नहीं है तो ये फ्री के मार्क्स आपके जो है बेसिकली कट सकते हैं। ध्यान से फॉर्मेट को बार बार पढ़े और समझें, राइट ओके?